नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हर घर पाठशाला और जियो टीवी की इस नई पहल इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में चौथी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से जैसा सवाल वैसा जवाब पाठ का अध्ययन उसका कुछ हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि अकबर जो बादशाह थे हिंदुस्तान के, भारत के या दिल्ली सल्तनत के, तो उनके दरबार में एक मंत्री थे जिनका नाम बीरबल था। तो बीरबल को अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, और जब बीरबल से जैसा सवाल किया जाता था वैसे ही वो जवाब देते थे या अपनी बुद्धि का प्रयोग करते थे। तो आइए जानते हैं इस पाठ में आगे क्या है। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। तो बुद्धि के आगे कुछ ना चल पाने का मतलब कि जो बीरबल की बुद्धि थी उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। जलने का मतलब वो बीरबल को पसंद नहीं करते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। मुसीबत यानी कि किसी भी तरह की समस्या में डाल देना, उसके वो तरीके सोचते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। नीरा बालक और मूर्ख यानी कि वो समझते थे कि ये जो अकबर है, अकबर के मंत्री बीरबल हैं, वो मूर्ख हैं और मेरे सामने कुछ नहीं है। लेकिन अपने मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तूती एक वाद्य यंत्र हो सकता है, यानी कि बीरबल की बात को ही वो मानते थे। और ख्वाजा सरा की आवाज़ की जो भी बात थी उसको वो नहीं मानते थे। ख्वाजा सरा की चलती यानी कि उसकी बात मानी जाती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार किया और कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। लेकिन उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। तो इस पाठ में अभी तक हमने जाना कि जो अकबर बादशाह था वो बीरबल को बहुत पसंद करता था, और बीरबल की बुद्धि जो थी वो बहुत तेज थी, तीव्र थी। बड़ों बड़ों की बुद्धि भी उसके आगे कम पड़ जाती थी। इसके कारण कुछ दरबारी यानी कि राजा होता था, राजा के दरबार यानी कि वहाँ पे जो लोग मंत्री इत्यादि रहते हैं और जो भी वो बातचीत करते हैं उसको वहाँ दरबार कहा जाता है। तो उस दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे, यानी कि बीरबल को किसी न किसी तरह से मुसीबत में वो डालना चाहते थे। अकबर का जो खास दरबारी था एक और था, ख्वाजा सरा, उसको अपनी विद्या और बुद्धि पर बड़ा अभिमान था। वो ये मानता था कि बीरबल उसके सामने कुछ भी नहीं है।
और वो मूर्ख है, लेकिन अपने मानने से तो कुछ होता नहीं है। तो जो उसकी आवाज़ थी वो नखार खाने में जो तूती की आवाज़ थी उसकी तरह थी, और अकबर के दरबार में चलती तो बीरबल की ही थी। तो अगर ख्वाजा सरा की बात मानी जाती वहाँ पर तो वो तो हिंदुस्तान से उनको निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार किया और काफ़ी ऐसे प्रश्न सोचे जो उसका लगता था कि मुश्किल थे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह उन प्रश्नों को सुनकर और बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद वो उत्तर नहीं दे पाएगा और फिर बादशाह ही मान लेंगे कि बीरबल उसके आगे कुछ भी नहीं है, यानी कि बीरबल एक तुच्छ इंसान है, छोटा इंसान है, उसकी बुद्धि उसके आगे कुछ नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर, अचकन और पगड़ी, अचकन पगड़ी, अचकन एक कपड़ा होता है जो कि कपड़ा, यहाँ यूं कहें हम उसको, एक लंबा सा कोट, चमकीला भड़कीला कोट, और पगड़ी है सिर पे पहनने वाली टोपी की तरह होती है, उसको हम पगड़ी कह सकते हैं। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और फिर सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें, उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो इसमें दो चीजें आई हैं, दिमाग की गहराई नापना। दिमाग की गहराई नापने का मतलब आप क्या समझे? दिमाग की गहराई नापने का अर्थ होता है कि वो कितना सोच विचार कर सकता है और कितना वो बुद्धिमान है। तो वो दिमाग की गहराई नाप लें, उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। कलई, कलई खुलने का मतलब क्या है कि बर्तन पे कई बार व्यक्ति क्या करते हैं कि उसको काला होने से बचाने के लिए बाहर धूल इत्यादि, मिट्टी इत्यादि लगा देते हैं। अक्सर ये चीज़ें गांव में देखने को मिलती हैं, तो उसको हम कलई बोल सकते हैं, या कोई ऐसा रंग बर्तन के ऊपर चढ़ा दिया जिससे उस बर्तन को खराब होने से बचाया जा सके आग के ज़रिए, तो उसको हम कलई कहते हैं। तो ये बात एक मुहावरे की भी है कि नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा साहब ने फिर से अकबर से ये बोला कि अकबर बहुत बुद्धिमान बनता है, आप उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। तो ख्वाजा साहब ने 3 सवाल बना लिए थे और वो जो 3 सवाल थे उसके ज़रिए वो उसकी बुद्धि देखना चाह रहा था। और फिर उन्होंने कहा कि उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी, फिर हम जान लेंगे कि किस तरह की बुद्धि जो है वो रखता है वो, यानी कि बीरबल, तो बीरबल किस तरह की बुद्धि रखता है तो हम बीरबल को जान लेंगे। तो आज तक इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने इस पाठ में ये जाना कि बीरबल जो था एक बुद्धिमान व्यक्ति था और ख्वाजा सारा उससे जलते थे और उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। तो अगली बार पढ़ेंगे हम, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ।